हेलो डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एब्स्ट्रैक्ट एल्जेब्रा के ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और इसका ये पहला लेक्चर है वीडियो लेक्चर इसमें हम आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ग्रुप के बारे में जानेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है किस तरह से ग्रुप डिफाइन होता है और उसका एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे हम कि किस तरह से हम ग्रुप प्रूफ करते हैं तो ये वीडियो आपके बी एस और आई आई जैम वगैरह के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा सो स्टार्ट करते हैं वॉट इज़ ग्रुप सो ग्रुप की डेफिनेशन देखिए ग्रुप ए नॉन एमपिटी सेट कैपिटल जी विद ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन इट दट इज जी स्टार इट कॉल्ड ए ग्रुप इफ अब कंडीशन है इसमें तो हम देखते हैं कि कोई नॉन एमपिटी सेना चाहिए आपके पास कैपिटल जी और एक बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए स्टार ओके okay, ये स्टार है बाइनरी ऑपरेशन आप सभी लोग जानते होंगे यदि नहीं जानते तो मैं अभी नीचे एग्जाम्पल में इसको बता दूंगा आपको बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है सो so, एक नॉन एमपिटी सेट को हम ग्रुप कब कहते हैं जब उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार हो सो फर्स्ट कंडीशन इज बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव इन जी ओके जो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार जो आपने जी में डिफाइन किया है वो एसोसिएटिविटी को फॉलो करना चाहिए एंड एसोसिएटिविटी यू नो वेरी वेल दैट ए स्टार बी स्टार सी अब यहाँ पे ब्रैकेट हमने ए और बी पे लगाया है और एसोसिएटिविटी का मतलब होता है कि ये ब्रैकेट आपका ए और बी से हटके बी और सी पे चला जाएगा सो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल G, यानी जिस सेट से आपने ये तीन एलिमेंट लिए हैं वो तीनों एलिमेंट एसोसिएटिविटी को फॉलो करते हैं और ये हमने जनरल एलिमेंट लिए हैं सो आपका ये सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो करेगा सो फर्स्ट कंडीशन इज एसोसिएटिविटी सेकेंड कंडीशन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ओके तो जब हम ग्रुप प्रूफ करेंगे तो हमें एक आइडेंटिटी एलिमेंट की जरूरत होगी तो वो क्या होता है फोर स्टार यानी जो बाइनरी ऑपरेशन है स्टार उसके लिए दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट स्मॉल ई इन कैपिटल जी तो कैपिटल जी में बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए एक ऐसा एलिमेंट स्मॉल ई एग्जिस्ट करेगा सच दैट कंडीशन क्या है ए स्टार ई इक्वल टू ए इक्वल टू ई स्टार ए तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आप स्मॉल ई एलिमेंट जिसको हम आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं कि वो इस स्मॉल ई एलिमेंट को आप किसी भी एलिमेंट पे लेफ्ट और राइट देखिए यहाँ पे हमने ई e को ए के लेफ्ट में ऑपरेट किया है और यहाँ पे हमने इकोल ए के राइट right में ऑपरेट किया है और दोनों से आंसर क्या आ रहा है सेम यानी कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी सारे एलिमेंट्स के लिए कोई एक ऐसा सिंगल एलिमेंट जनरल जी में ऐसा होना चाहिए यूनिक ताकि जिसको आप किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट करो तो आंसर वही एलिमेंट आ जाए सेम जैसे कि ए को हमने ई e से ऑपरेट किया तो आंसर ए आया और वापस से ई e को ए से किया लेफ्ट और राइट right दोनों तरफ से तो भी ए ही आया तो इस तरह के एलिमेंट को स्मॉल ई e को हम क्या बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी ग्रुप का ओके थर्ड कंडीशन इज इनवर्स एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट यानी कि जब आप किसी भी सेट को ग्रुप प्रूफ करेंगे तो उसमें सारे एलिमेंट्स के लिए अपना अपना पर्सनल इनवर्स होना चाहिए ओके okay? अब इनवर्स क्या होता है वो देखते हैं फॉर ईच एलिमेंट ए ऑफ जी यानी हम जी के सारे एलिमेंट्स ए के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी इन जी सच दैट यानी कि कैपिटल जी के सारे एलिमेंट्स ए के लिए कोई दूसरा एलिमेंट बी इस तरह से होना चाहिए सच दैट कंडीशन क्या है कि हम ए और बी को ऑपरेट करें तो आंसर क्या आ जाए आइडेंटिटी ई e. और हम ए और बी को लेफ्ट और, right तो e okay? और राइट दोनों तरफ से ऑपरेट करें तो आंसर ई आना चाहिए ओके इसी तरह से आइडेंटिटी में था लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से होना चाहिए आपका तभी ये आपका आइडेंटिटी कहलाएगा इसी तरह से इनवर्स भी तभी कहलाएगा जब ये आपका लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से हो देन वी इज कॉल्ड इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए ट इज़ बी इक्वल टू ए इनवर्स तो यानी कि आप किसी भी एलिमेंट ए को यदि आप दूसरे एलिमेंट बी से ऑपरेट करें और आंसर आइडेंटिटी आ जाए तो वो दोनों एलिमेंट आपस में क्या कहलाते हैं आपस में इनवर्स बी ए का इन्वर्स है और ए बी का इन्वर्स है सो so इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो किसी सेट को ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए होती हैं यदि ये तीनों प्रॉपर्टी किसी भी सेट में आ जाए देन हम कहते हैं कि वो सेट आपका जो नॉन एम सेट है वो ग्रुप होगा और साथ में उसमें बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए ओके तो इस तरह से हम ग्रुप प्रूफ करेंगे आगे एग्जाम्पल में बताऊँगा नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी अबिलियन ग्रुप या फिर कम्यूटेटिव ग्रुप ओके सो so ये डेफिनेशन इसमें क्या है कि आपके पास कोई पहले से ग्रुप है जी स्टार ओके okay. उस ग्रुप को हम अबेलियन कब बोलेंगे या फिर कम्यूटेटिव कब बोलेंगे तो नाम से ही क्लियर है कम्यूटेटिविटी उसमें प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप बोलेंगे देखिए डेफिनेशन इसकी अ ग्रुप जी स्टार अब हमने इसको पहले से ही ग्रुप बोल दिया है और ग्रुप बोलने से इसमें ये जो ऊपर वाली कंडीशन है ये तीनों सारी फॉलो हो रही हैं क्योंकि वहाँ पे तो ये नॉन एम सेट था और नॉन एम सेट को हमने ग्रुप प्रूफ किया था इसमें डेफिनेशन में अब हम इसको ऑलरेडी ग्रुप बोल रहे हैं तो इसमें सारी जो कंडीशन है यानी बाइनरी ऑपरेशन है स्टार इसमें आइडेंटिटी भी है एसोसिएटिव भी है और इनवर्स भी है तो इस जी स्टार ग्रुप में हम अवेलियन कब बोलेंगे तो ए ग्रुप जी स्टार इज कॉल्ड अवेलियन और कम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू जी तो इसका मतलब क्या है आप कैपिटल जी जो ग्रुप है उसके कोई भी दो जनरल एलिमेंट लीजिए उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में ऑपरेट करिए लेफ्ट और राइट से तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए यानी कि आप ए और बी को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ऑपरेट करें तो दोनों इक्वल होने चाहिए तो इस तरह से ये ग्रुप हम अबेलियन ग्रुप कहलाता है ओके नोट देखिए इफ ग्रुप इफ इज नॉट अवेलियन देन इट इज कॉल्ड नॉन अवेलियन ग्रुप तो यदि आपका ग्रुप है जो अबेलियन नहीं है यानी कि, कि किसी भी दो ऐसे पेयर आप ले लो जिनके लिए ये प्रॉपर्टी शो नहीं हो तो वो आपका नॉन एबिलियन हो जाएगा देखो हमने यहाँ पे फोर ऑल लगा रखा है फोर ऑल का मतलब सारे एलिमेंट्स के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए ग्रुप के एलिमेंट्स के लिए तब तो अबेलियन होगा नहीं तो नहीं होगा तो उसको हम क्या कहेंगे नॉन अबेलियन ग्रुप तो इस तरह से ग्रुप था और उसकी डेफिनेशनस थी और अबेलियन ग्रुप था अब हम चेक करते हैं कि हम ग्रुप प्रूफ कैसे करेंगे न्यूमेरिकल कैसे करेंगे एग्जाम्पल आ गया तो आई आई टी जैम वगैरह में बी एस सी और एम एस सी आपके सबके लिए हेल्पफुल है तो देखिए एग्जाम्पल प्रूफ कैसे करते हैं तो सबसे पहले मैंने बेसिक एग्जाम्पल लिया है उससे आपके ये बेसिक क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ग्रुप प्रूफ किया जाता है इसके बाद डिफिकल्ट एग्जाम्पल भी आप ले सकते हो तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊँगा तो देखिए एग्जाम्पल शो दैट दट सेट कैपिटल जी इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा एक सेट दे आपको जिसमें चार एलिमेंट्स हैं

हमें दे रखा है जी इक्वल टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा ओके चार एलिमेंट्स हैं एंड द ऑपरेशन इज गिवन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर तो सबसे पहले हमको इसको ग्रुप प्रूफ करने के लिए चार प्रॉपर्टी चाहिए एक तो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी होना चाहिए दूसरा एसोसिएटिविटी थर्ड है आपका आइडेंटिटी फोर्थ है इनवर्स और अबेलियन पूछे तो अबेलियन ओके okay. अब जब हमारे पास जी है उसमें जब फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं यानी कि चार एलिमेंट्स तीन एलिमेंट्स दो एलिमेंट्स पांच एलिमेंट्स ओके इस तरह के यदि आप उसको काउंट कर सकते हो तो हम उसकी एक ऑपरेशन टेबल बनाते हैं तो ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे वो देखिए ये मैंने ऑपरेशन का नाम स्टार दे दिया है आप चाहो तो मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो उसको डॉट भी बोल सकते हो जो भी आपको ठीक लगे ओके जनरल जो है नाम वो स्टार होता है तो हम ऑपरेशन टेबल कैसे बनाएंगे देखिए आपको सबसे पहले ये लाइन खींचनी है ओके और कॉलम और रो बनानी है तो ऊपर और इधर साइड में इस रो में और इस कॉलम में सबसे पहले आपको जी में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो चारों हमने लिख लिए वन माइनस आयोटा ओके अब अब हम स्टार को ऑपरेट करेंगे किस तरह से देखिए अब हम स्टार ऑपरेट करेंगे सबसे पहले इस वन के लिए तो इस वन को स्टार से ऑपरेट करने का मतलब है वन स्टार वन वन स्टार माइनस वन वन स्टार आयोटा एंड वन स्टार माइनस आयोटा यानी इस वन को हम इन चारों एलिमेंट से ऑपरेट कराएंगे और देखते हैं क्या आंसर आता है और ऑपरेशन आपको दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन तो करिए वन इंटू वन कितना आएगा वन ऐसे ही वन इंटू माइनस वन कितना आएगा माइनस वन वन इंटू आयोटा इंटू आयोटा और वन इंटू माइनस आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा इसी तरह से अब माइनस वन को करिए इन चारों से सो माइनस वन वन माइनस आयोटा आयोटा इसी तरह से आयोटा को करेंगे हम मल्टीप्लाई तो आयोटा इन टू वन तो वन आयोटा को माइनस वन से करेंगे तो माइनस वन आयोटा को आयोटा से करेंगे तो माइनस वन एंड आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस वन इसी तरह से माइनस आयोटा कर दिया तो चार रो और चार कॉलम हमारे पास यहाँ आ गए हैं और ये अंदर वाला जो है जिसको हम बाइनरी टेबल के एलिमेंट्स बोलते हैं बाहर वाले जो रो और कॉलम है उनको आप स्किप कर सकते हो हमें मेन मतलब है जो अंदर वाली चीजें आपकी इनसे तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं बाइनरी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन अब जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ बाइनरी का मतलब होता है कि आप ग्रुप के कोई भी दो एलिमेंट लो जनरल और उनको ऑपरेट करो तो जो आंसर आता है वो भी ग्रुप में ही आना चाहिए तब तो वो बाइनरी होता है नहीं तो नहीं होता तो हम यहाँ पर जो टेबल है उसको देखिए टेबल में जो आपके अंदर जो आंसर्स आए हैं उन आंसर्स को चेक करिए और हम ये देखते हैं कि ये जो सारे आंसर्स आए हैं वो सारे इस सेट जी में एग्जिस्ट करते हैं यदि ये इससे बाहर जाते तो हम बोलते बाइनरी नहीं है तो हमने बाइनरी ऑपरेशन टेबल से देखना सिखाया है आपको देखिए कैसे सिंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ टेबल टेबल आर फ्रॉम ओके हमने देखा कि के जो सारे एलिमेंट्स हैं वो कैपिटल जी से ही हैं दैट इज हमने कोई भी दो जनरल एलिमेंट लिए इसको कैसे लिखते हैं मैथमेटिकली ए बी यानी ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी यानी कि जी के कोई भी दो एलिमेंट लिए हमने ए और बी और उन दोनों को ऑपरेट किया तो आंसर भी वापस उसी सेट में आया तो हम कहेंगे कि हैंस ऑपरेशन इज बाइनरी इन जी ओके तो ये तो सबसे पहली कंडीशन है कि ग्रुप के लिए ऑपरेशन बाइनरी होना सबसे जरूरी है सेकेंड पॉइंट एसोसिएटिविटी अब एसोसिएटिविटी आपको कैसे चेक करना है टेबल से तो नहीं करेंगे हम इसमें हमें देखना है ऑपरेशन क्या दिया हुआ है तो ऑपरेशन दिया हुआ है आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है तो आप सभी जानते हो कि सिंस द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ऑलवेज एसोसिएटिव तो ये तो सिंपल सी प्रॉपर्टी है आपने टेंथ या ट्वेल्थ में पढ़ी होगी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो तो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है यानी कि आप कोई भी तीन एलिमेंट्स लो तो उनके लिए ए स्टार बी स्टार सी यदि आपका ब्रैकेट ए और बी पे है तो वो चेंज होके क्या हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी बी और सी पे चला जाएगा सो so, एसोसिएटिविटी तो हमने डायरेक्ट लिख दी नेक्स्ट हम चेक करेंगे आइडेंटिटी आइडेंटिटी टेबल से कैसे चेक करेंगे देखिए आइडेंटिटी चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि जो ऊपर वाली फर्स्ट ये ऊपर ऊपर वाली जो रो है और इसी तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो वेरी फर्स्ट कॉलम है इन दोनों के सिमिलर रो और कॉलम चेक करिए तो हम देखते हैं कि ये जो रो है ऊपर ऊपर वाली इसकी सिमिलर रो आपकी ये फर्स्ट वाली रो है वन के नीचे वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा इसी तरह से इस कॉलम के जैसा कॉलम कहाँ है वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा और हम देखेंगे कि ये रो और कॉलम ये रो और ये कॉलम किस एलिमेंट से बन रहे हैं वन से ओके okay? एक तरीका तो ये है या फिर आप वैसे भी देख सकते हो कि वन को हमने किससे मल्टीप्लाई किया ताकि वो सेम एलिमेंट आ जाए इसी तरह से हमने माइनस वन को किससे मल्टीप्लाई किया ताकि माइनस वन आ जाए वापस से तो आपको सिंपल दिख रहा है कि भाई हम मल्टीप्लीकेशन जब करते हैं तो किसी भी एलिमेंट को जब हम वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वो ही आता है ओके सो इस तरह से हमने देखा कि जो वन है वो आइडेंटिटी है सो देखिए आफ्टर एनालाइजिंग द टेबल वी सी दैट वन स्टार ए इक्वल टू ए इक्वल टू ए स्टार वन यानी कि हमने वन को किसी भी एलिमेंट ए पे लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से ऑपरेट किया तो आंसर हमारा सेम एलिमेंट आया ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी यानी कि जी के सारे एलिमेंट्स के लिए जब हमने वन से मल्टीप्लाई किया तो आंसर सेम एलिमेंट आता है ए इसलिए हैंस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी यानी कि आपका जो वन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है अब हम चेक करेंगे कि इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ग्रुप के लिए हमें जो सारी प्रॉपर्टी है वो चेक करनी पड़ेंगी तभी ये ग्रुप होगा इनवर्स एलिमेंट हम चेक करेंगे और इनवर्स एलिमेंट देखिए आइडेंटिटी तो पूरे ग्रुप का एक ही होता है जो भी होता है यूनिक एलिमेंट होता है वन लेकिन इनवर्स जो होता है वो सारे एलिमेंट्स का हम अलग अलग चेक करते हैं ओके इनवर्स का कैसे पता लगाएंगे टेबल से कि किसी भी एलिमेंट का आपको इनवर्स का पता करना है तो क्या करना है उस एलिमेंट के सामने रो में आप देखिए उसी के जैसा सेम एलिमेंट कहाँ पे है और वो किस को ऑपरेट करने पे आया है जैसे वन है तो वन के सामने वन कहाँ है ये रहा वन येरा रह। और ये किस को ऑपरेट करने से आया वन को वन से इसलिए वन और वन आपस में इनवर्स हैं इसी तरह से माइनस वन के सामने हम माइनस वन चेक करेंगे सॉरी माइनस वन के सामने हम आइडेंटिटी चेक करेंगे कि वो कहाँ पे है तो माइनस वन के सामने आइडेंटिटी कहाँ है वन और ये किसको ऑपरेट करने पे आया माइनस वन पे यानी कि माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू आइडेंटिटी तो इसलिए माइनस वन और माइनस वन आपस में इन्वर्स इसी तरह से आयोटा के सामने हम चेक करेंगे आइडेंटिटी कहाँ है और आइडेंटिटी था वन तो आयोटा के सामने वन चेक करते हैं ये रहा और ये किसको ऑपरेट करने पर आया माइनस आयोटा पे यानी कि आयोटा का जो इन्वर्स होगा वो क्या होगा माइनस आयोटा ओके okay, इस तरह से इसी तरह से माइनस आयोटा के लिए हम चेक करेंगे तो वन रहा इसलिए माइनस आयोटा का जो इन्वर्स है वो क्या हो गया आयोटा तो हमने ये टेबल से देख लिया है सिंस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट तो आइडेंटिटी जो एलिमेंट होता है उसका वो खुद का इन्वर्स होता है सेल्फ इन्वर्स होता है सो so वन का इन्वर्स तो वन आ ही गया दूसरा हमने टेबल से भी देख लिया है कि माइनस वन का इन्वर्स माइनस वन है ओके okay, क्योंकि माइनस वन को माइनस वन से ऑपरेट कर रहे हैं हम लेफ्ट और राइट तो आंसर क्या रहा है आइडेंटिटी वन इसी तरह से आयोटा को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है इस तरह से माइनस आयोटा को आयोटा से करें तो बन आ रहा है इसका मतलब माइनस वन का इन्वर्स हो गया माइनस वन आयोटा का इन्वर्स हो गया माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का इन्वर्स हो गया आयोटा तो ये चार प्रॉपर्टी थी इन चारों प्रॉपर्टी से तो ये हो गया आपका ग्रुप नेक्स्ट आपको इसमें एग्जाम्पल में ये भी शो करना था कि ये अबेलियन है या नॉन अबेलियन सो अबेलियन के हम लिए क्या देखेंगे टेबल से अबेलियन चेक करना बताते हैं जब आपके पास टेबल फाइनाइट टेबल हो यानी कि आप उन एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो दो तीन चार पाँच एलिमेंट्स हैं यदि आपके सेट में तो टेबल से हम अबेलियन कैसे चेक करेंगे देखिए सबसे पहले आप इस डायगोनल को देखिए इस प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में यदि आपकी जो अंदर वाली मैट्रिक्स है ओके okay. ये फोर क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है अंदर तो यदि डायगोनल के रेस्पेक्ट में आपकी मैट्रिक्स जो है यदि सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने पर हमारा जो ग्रुप होता है वो क्या होता है अबेलियन सो so, हम यह लिख देंगे सिंस टेबल इज सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू डायगोनल इस तरह से ये अवेलियन होगा सोहेंस जी स्टार एच एन अवेलियन ग्रुप तो इस तरह से हमने ग्रुप का एग्जाम्पल देखा उसकी टेबल बनाना सीखी ओके okay, और ये टेबल हम केवल फाइनाइट ग्रुप के लिए ही बना सकेंगे यानी जिनमें आप एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हो जिसमें दो चार पाँच छः सात एलिमेंट हैं और यदि इनफाइनाइट है तो उसका तरीका अलग होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि इनफाइनाइट एलिमेंट्स वाले यानी कि इनफाइनाइट सेट के लिए हम ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ओके एंड बेस्ट ऑफ लक